गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ डॉन प्रधान। टुडे वी विल टीचिंग अबाउट इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो पिलामाने इम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहले कौन बुझ? इम्प्लॉयबिलिटी स्किल एमती एक सॉफ्ट स्किल जहाँ कंपनी सब बड़े पिलामानों को भीतरे खोजी थाए। ए स्किल रे आमको सब किछि सिखिबा को मिलता है, जमिति का कम्युनिकेशन स्किल, ग्रीन स्किल, कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सब उपरे हमको बहुत किछि सिखिबा को मिलता है। यह कौन ना क्लास नवम दशम एवं कॉलेज करियर मध्य जमिति का 11th और 12th प्लस टू करियर मध्य हमको सिखिबा को बहुत किछि मिलता है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहले कौन बुझिबा तापर एक छोटिया वीडियो देखिबा। तो चलो से वीडियो टी स्टार्ट करिबा। हाय विजय भैया। हाय कोमल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ भैया। स्कूल से निकलने के बाद आपको हमारे स्कूल में देखकर अच्छा लगा। मैंने सुना है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिली है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ कोमल, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। जानती हो 100 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था और मैं उन लोगों में से हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ। और तो और अगले महीने मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है। वाओ भैया, मुझे भी बताओ आपको ये जॉब कैसे मिली, आपने ये कैसे किया? सच बताऊं कोमल, जब मैं स्कूल में था मेरे लिए ऐसी जॉब ले पाना बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। कल इंटरव्यू है ना तेरा? इंटरव्यू के लिए जा तो रहा हूँ, मुझे लगता नहीं मुझे ये जॉब मिलेगी। भले ही मैंने एकेडमिक और टेक्निकल स्किल्स पढ़ी थी लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने प्लान नहीं किया इसलिए मैं लेट हो गया था। अपने उन्हीं कपड़ों और चप्पल पहनकर मैं सीधा इंटरव्यू रूम में बिना नॉक किए घुस गया। सर, इंटरव्यू। यू आर लेट, व्हाट टाइम वर यू सपोज्ड टू कम? इंग्लिश लैंग्वेज इतने साल पढ़ने के बावजूद मैं इंग्लिश में दो शब्द भी ना बोल सका। टेक अ सीट। अंग्रेजी भी नहीं आती क्या? बैठ जाओ, बैठो। सर, बायो डेटा लाए हो अपना? हाँ। दिखाइए। ये बायो डेटा है। इसे साथ लो, बाहर निकलो यहां से। गेट आउट। भैया अभी आप कितने पॉजिटिव दिखते हो, ये चेंज कैसे आया? कमल, मैंने हार नहीं मानी। मुझे मालूम चला कि कंपनी सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर फोकस नहीं करती है बल्कि वो सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स को भी उतना ही फोकस करती है। मैंने स्पोकन इंग्लिश की क्लास ली, कंप्यूटर सीखा और अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग की। थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन धीरे धीरे मुझे बदलाव दिखने लगा। मैंने कंप्यूटर यूज करके अपना बायोडेटा बनाया, फिर मैंने अपना बायोडेटा उसी कंपनी को ईमेल किया और इंटरव्यू के लिए पूछा। फिर मुझे कंपनी से ईमेल आया जिसमें उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। यस। मैं कम इन सर। यस कम इन। सर, आई हैव कम फॉर द इंटरव्यू। Yes, come, please have a seat. Thank you. तुम पहले भी आए थे ना? Yes, sir. Good. I can see a lot of improvement in you. Thank you, sir. Sir, this is my resume, sir. Okay. Good. Thank you, sir. I'm pleased to offer you this job. Congratulations. Thank you so much, sir. It means a lot to me. इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ आपकी स्टोरी सुनने के बाद। लेकिन स्कूल में तो साइंस, मैथ और ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं,
मुझे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने के लिए क्या करना चाहिए जिससे मुझे आपकी तरह अच्छी नौकरी मिल सके? कोमल तुम बहुत लकी हो, अब स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी पढ़ाई जाएंगे। ट्रेड स्किल्स के साथ साथ वोकेशनल स्ट्रीम्स में सभी को 75 घंटे का नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 9th और 10th में और 110 घंटे का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा। इनमें हर स्टैंडर्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, कंप्यूटर और ICT, ग्रीन स्किल्स जैसी स्किल्स शामिल होंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज में ढूंढती हैं। इंटरव्यू के लिए और जॉब पाने के लिए ये स्किल्स महत्वपूर्ण है। करियर में आगे बढ़ने के लिए भी ये स्किल्स उतनी ही आवश्यक हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शामिल हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ग्रीन स्किल्स। आइए आगे देखते हैं कि एम्प्लॉयर्स को इन स्किल्स के महत्व के बारे में क्या कहना है और आपके ट्रेनिंग के दौरान इन्हें पढ़ाना क्यों आवश्यक है। कैफे कॉफी डे एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ यंग फ्रेश कैंडिडेट्स हु आर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज स्ट्रेट आफ्टर स्कूल आइदर देयर 10th स्टैंडर्ड और देयर 12th स्टैंडर्ड एंड एज एम्प्लॉयर्स वी फाइंड दैट सम ऑफ द बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ फर्स्ट टाइम जॉब आर एक्चुअली समथिंग विच इज़ नॉट टॉट इन देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वी हैव टू एक्चुअली टीच देम सम बेसिक स्किल्स। Wouldn't it be wonderful if schools and colleges actually bridge the gap between education and employability in such a way that when they come out of school or college, the kids would be directly employable? These could actually be game changers which will help them not only to get a job but actually to build a career. Communication skills aise skills hain jo aapko apne ideas aur feelings ko share karne mein madad karti hain. आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाती हैं। ये स्किल्स आपको हर तरह के लोगों से बातचीत करने का तरीका सिखाएंगी। इंग्लिश स्पीकिंग आपको अच्छी जॉब पाने में भी मदद करेंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में कम्युनिकेशन साइकिल, वर्बल कम्युनिकेशन, ग्रामर, प्रोनंसिएशन, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन जैसे टॉपिक शामिल होंगे। कम्युनिकेशन बिकॉज इन आवर इंडस्ट्री यू आर डीलिंग विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट नेशनलिटीज, डिफरेंट टेम्परामेंट्स। So how you reach out and communicate with them is very, very important. In modern retailing, companies like us want employees to talk one-to-one to customers, to be confident to actually, interact with them, talk to them about their preferences, talk to them about, what are the new product offerings, etc. How well an employee does in his job is actually dependent on these two skills very largely. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ये स्किल्स आपको अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज और खुद को पहचानने में मदद करेंगी। किस तरह से पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और एफिशिएंट बना जाए ये भी सिखाएंगी। सेल्फ मैनेजमेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, गोल सेटिंग जैसे टॉपिक शामिल होंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी क्रिटिकल। इट इज द कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू मैनेज हिज own personal I would say tasks, his own personal responsibilities without being in the safe cocoon of a family. ICT skills, information or communication technology ab hamare kaam aur zindagi ka ek aham hissa ban gayi hai. Zaruri hai ki aapko is technology ki uchit aur paryapt jankari ho. ICT skills ko seekh kar aap जॉब या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपने कोवर्कर्स, दोस्तों और फैमिली के साथ कनेक्टेड भी रह सकते हैं। ICT स्किल्स में इंट्रोडक्शन टू ICT, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, टाइपिंग स्किल्स, यूजिंग ईमेल जैसे टॉपिक शामिल होंगे। डिजिटल लिटरेसी आल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। दे मे हैव जस्ट सीन अ कंप्यूटर मॉनिटर वंस देयर इन देयर स्कूल्स, बट व्हेन दे एक्चुअली कम टू द वर्कस्पेस there is very little paperwork which happens, your billing, your attendance, all the official transactions are actually done on a computer or a mobile phones. Edge that they get through a formal skills education in digital literacy will make sure that they do much better when they come to their job in the city. Entrepreneurial skills,
अपने वर्कप्लेस या बिजनेस में इनिशिएटिव लेना, सक्सेसफुल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लेना। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में एंटरप्रेन्योरशिप की विशेषताएं, एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज, बिजनेस एक्टिविटीज के प्रकार, एंटरप्रेन्योर वर्सेस एम्प्लॉय, स्टार्टिंग अ बिजनेस जैसे टॉपिक शामिल होंगे। और दैट एंटरप्रेन्योर इन हिम, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव दिस ड्राइव फॉर रिजल्ट्स और डज नॉट हैव द एंटरप्रेन्योर इन हिम, देन probably he may not again fit into the scheme of things in an organization or in a hospitality domain, and therefore he needs to develop this over a period of time and showcase it at the shop floor when he works. Green skills, inka uddeshya paryavaran ke sanrakshan ke sath sath aarthik vikas ko santulit karna hai taki samaj, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ग्रीन स्किल्स में इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण, ग्रीन इकोनॉमी में सेक्टर्स, पॉलिसीज और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। व्हाट ऑल प्रैक्टिसेस डू वी अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट? हैव वी डन वाटर हार्वेस्टिंग? हैव वी एवर गेट सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी सेविंग? Did we try doing some 3R practices like reduce, recycle, reuse? Have we done replantations? Subjects like this are very, very important. These subjects will protect our planet and do green manufacturing also. We will call it green skills, which is needed for each one of us today to protect the planet and to be a good person. ये महत्वपूर्ण स्किल्स आपको वीडियो और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग द्वारा सिखाई जाएंगी। और तो और ये स्किल्स बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस, ग्रुप एक्टिविटीज, रोल प्लेस और पीयर लर्निंग द्वारा सीखने को मिलेंगी। अगर स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन हो तो वो आराम से घर में, प्लेग्राउंड में या नदी किनारे ही क्यों नहीं, ई लर्निंग के जरिए वीडियोज देख सकते हैं और क्विजेस का आंसर कर सकते हैं। क्लास पीरियड के बाद अगर हो सके तो स्टूडेंट्स ई लर्निंग खुद चलाकर क्विजेज सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्लास में पढ़ाया गया वीडियो और क्विज दोबारा देखा जा सकता है। ऐसा करने से स्टूडेंट्स अपनी गति से ज़्यादा समझ सकते हैं। स्टूडेंट को अपना खुद का लॉगिन आईडी टीचर को पूछकर मिल सकता है। यही था ना कल्पना? हाँ, ई लर्निंग से सीखना तो बिल्कुल मूवी देखने जैसा है ना? हाँ यार, इसे याद करने और समझने में हमें कितनी मदद मिलेगी। जो हमने वीडियो और क्विज से सीखी है हम उसे प्रैक्टिस करके अप्लाई भी कर पाएंगे। ये कितनी अच्छी न्यूज है, मैं ये सब स्किल्स अपने ही स्कूल में सीख पाऊंगी। अब मैं आप जैसी अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। तुम बहुत छोटा सपना देख रही हो। इस कोर्स में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर खूब प्रैक्टिस करके तुम मुझसे भी अच्छी नौकरी पा सकती हो, समझी?